तो गाइस अगर आपके फोन पे अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट रिलेटेड इशू गाइस, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके भी साथ हो गया है, आपके फोन पे अकाउंट में आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने फोन पे अकाउंट से, चाहे आप बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो, चाहे आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और इस तरह का एरर आपको सामने दिखाई दे देता है, तो इसका आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, आपको इसके लिए अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। आपको यहाँ पे ऊपर में प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, अनलिंक बैंक अकाउंट। आप गाइस करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ओन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपना बैंक अकाउंट एक बार डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको अपने फोन पे पर आ जाना है, यहाँ पे होम पेज पर। उसके बाद आपको अपने फोन पे को आपको दबा कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। और किसी के फोन में यहाँ पे ऐप इन्फो का ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक ऑप्शन स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर स्टोरेज, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। इसका जो डाटा है गाइस एक बार आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको फिर से अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद लॉगिन करना है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। उसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो ये सॉल्व हो जाएगा। आपके सामने ये जो एरर आ रहा था वो दिखाई नहीं देगा गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह करने के बाद भी इस तरह का जो एरर है आपके सामने फिर भी आ रहा है, तो आपको करना क्या है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको करना क्या है। आपको अपने बैंक से बात करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उनके कस्टमर केयर से बात करना है, और वहाँ से आपका ये जो सॉल्यूशन है आपका हो जाएगा।